देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने जो पोर्शन पढ़ा था उसमें वेव मोशन में, आज हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल लगाएंगे ध्वनि से के टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जिसमें कभी प्रबलता जो है क्वेश्चन में पूछे या फिर कभी जो है ध्वनि की तीव्रता पूछे, ठीक इस तरीके के कंडीशंस पे हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक ध्वनि की जो तीव्रता है वह क्या है, 10^5 गुना बढ़ा दी जाए तो एक ध्वनि की अगर तीव्रता को 10^5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसके ध्वनि स्तर कितने डेसिबल बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। प्रतिध्वनि
देखिए न्यूमेरिकल क्या है, तुम्हारा कह रहा है कि एक खान है, ठीक है। खान के अंदर मान लीजिए कहीं कुछ मनुष्य होंगे, एक मनुष्य जो है वह चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है। और चीखने के साथ क्या होता है कि वह अपनी आवाज़ को 4.8 सेकंड यानी 4.8 सेकंड के बाद फिर से सुनता है, यानी कि उसकी प्रतिध्वनि हो गई उसके ध्वनि की 4.8 सेकंड। फिर कह रहा है कि अगर ये मान लिया जाए कि ध्वनि की जो चाल है वह 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ध्वनि खान की गहराई कितनी है, ठीक। क्या करेंगे, देखिए प्रतिध्वनि जब सुनाई देती है तो डिस्टेंस डबल हो जाता है, यानी एक बार कहीं गई होगी आवाज, टकराई होगी और फिर वापस आकर उसको सुनाई दी होगी। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो खान की गहराई होगी उस गहराई में जा कर क्या होगा, वो उसके तल तक टकराया होगा, वहां से वापस आकर उन्होंने उसको सुनाई दी, ये माना जा रहा है। जब आप ये मानते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहेंगे कि जो दूरी होगी अगर गहराई डी हो तो आप यहाँ पे जो टोटल दूरी जो ध्वनि ने ट्रेवल किया वो जब आप लेंगे तो आप 2D लेंगे, क्योंकि एक बार ध्वनि जो है गई होगी गहराई में, टकराई होगी और फिर वहाँ से वापस आई होगी और तब उसके कारण तक उसको सुनने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या गिवन डेटा है, क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और जो पूछ रहा है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद जो फार्मूला यूज होगा उसको लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, जो दिया है उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया है वो फाइंड आउट करके कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं, देखिए दे रहा है एक मनुष्य कान में चीखता है, उसके चीख की प्रतिध्वनि 4.8 या सेकेंड है, बात सुनाई देती है, बात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, तो खान की गहराई डी की वैल्यू चाल है बी, ध्वनि की चाल है बी, ठीक है, और इको के लिए जो ये टाइम मिला है ध्वनि के लिए वो यहाँ पे टी की वैल्यू मिला है, ठीक। अब देखिएगा चाल बराबर दूरी बटा समय, जानते हैं दिया
सबसे पहले आप यहाँ तक के पोर्शन को नोट करिए और ये पता लगाइए, ये खुद करने की कोशिश करिए कि अगर ये टी और बी दिया है और हमसे डी पूछ रहा है और ये ध्वनि वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाएं और उस सूत्र को लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं इसको यहीं पर अभी सॉल्व करूँगा। ठीक, तो 2-3 मिनट का समय है आपके पास, आप इसको सॉल्व करके देखिए। 2-3 मिनट के बाद मैं क्या करूँगा, फिर यहाँ पर सूत्र लिखूँगा और उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाऊँगा। आप ये देखिएगा कि आपने जो लगाया वो सही है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका टाइम जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए आपसे आपको 3 मिनट का समय। जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार आप कोशिश करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा जो दिया हुआ है उसको लिखिए, ज्ञात किया क्या करना है, क्या चीज़ आपको सॉल्व करके निकालना है आप उसको लिखेंगे, और उसके बाद बेटा आप लोग इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखेंगे कौन सा सूत्र आपने पढ़ा है, उस सूत्र को आप नोट करेंगे ईगो से रिलेटेड, और उसके बाद इन सारी वैल्यूज़ को जो दिया हुआ उसको पुट करेंगे, जो नहीं दिया उसका सिंबल लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन करते हुए लास्ट में जब आप आएंगे तो वहीं पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो फार्मूला यूज होगा वो फुल सॉल्व। Thank you.
ठीक। इसके बाद देखिएगा ये फार्मूला है, यहाँ से लिखेंगे बी, आपसे गहराई बी पूछा रहा है, टेन टू डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू टी, और बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू टी बाई। ठीक है, इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू करते हैं। देखिए बेटा बी भी दिया है और टी भी दिया है, बी पूछ रहा है। ठीक, क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 330 मीटर पर सेकेंड, टी की वैल्यू क्या लिखेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 2.4। ठीक, इसी को लिखेंगे 330 into 24 अपॉन 10 लिख सकते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर दें बेटा, जब 0 से 0 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 33/24 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 792 मीटर। कितना आ रहा है, 792 मीटर आ रहा है। फिर बेटा हम लोग आ जाते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार, इस तरह से करके हम लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे। 2 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिए और उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नोट करते रहिए, नोट कर लेंगे तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा नंबर निकल आता है। ध्वनि की तीव्रता (10^5) गुना बढ़ा दी
उसका धन स्तर कितने डेसिबल होना चाहिए था न्यूमेरिकल है कि एक ध्वनि है जिसकी तीव्रता क्या हो रही है 10^5 टाइम्स बढ़ा दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि तो इसका उसका ध्वनि स्तर जो है वह कितना डिस्पर बढ़ रहा है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इनिशियल इसकी इंटेंसिटी जो है वह आई नॉट रही हो तो इस समय उसकी इंटेंसिटी आई हो जाएगी और आई जो है वह क्या होगा आई नॉट से 10^5 टाइम्स बढ़ा होगा। ये कंडीशन ये कह रहा है कि पहला होगा और फिर आपसे जो पूछ रहा है वह यह पूछ रहा है कि कितने डेसिबल बढ़ रहे हैं ज्ञान करना है। लाउडनेस एल का इंक्रीमेंट वह कितना बढ़ जा रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर I की वैल्यू 1 रही होगी, I नॉट की वैल्यू 1 रही होगी, तो I की वैल्यू जो है वो 10^5। सूत्र ऐसा यूज करना है जो L और I और I नॉट के साथ मिलके बनता है। लाउडनेस क्या होता है? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि अब इसमें हम लोग वैल्यू को यहाँ से I is equal to 10^5। ठीक, और इसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया तो क्या आएगा देखेंगे L is equal to 10 log
यहाँ से L इज इक्वल टू ठीक है, एक बार इसको कर लीजिए आप लोग 3 मिनट के टाइम में, फिर हम लोग आप लोगों ने बेटा नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं।
चलिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग अगले वाले में पढ़ेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स किसको कहते हैं और उसके हम लोग उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसके अनुप्रयोग क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है।